हेलो एंड वेलकम टू एकदम ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम 2018 की डेट शीट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली सीबीएसई ने आज यानी 10 जनवरी 2018 को क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन 2018 के लिए डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। पिछले साल ये डेट शीट थोड़ा पहले आ गई थी, इस साल इसे थोड़ा सा टाइम आने में लग गया। सो पिछले साल की अगर हम बात करें 2017 की, तो उसमें एग्जामिनेशन 9 मार्च से शुरू थे और इस साल यानी 2018 में सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम 5 मार्च 2018 से शुरू होंगे, जिस दिन मंडे है। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं क्लास 12th और 10th की डेट शीट के बारे में। थोड़ा सा सबसे पहले 12th क्लास का देख लेते हैं और फिर 10th क्लास का देख लेते हैं। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अब, सो जो डेट शीट है 5 तारीख को जो है वो सबसे पहला पेपर हर बार यही होता है कि इंग्लिश का ही पेपर होता है। सो सबसे पहला पेपर जो है 5 मार्च 2018 को 12th क्लास का इंग्लिश का है, इंग्लिश सिलेक्टिव और इंग्लिश कोर का। उसके बाद 6 तारीख को तो ये बाकी के पेपर है, डांस, कथक, डांस, भरतनाट्यम वगैरह वगैरह, और लास्ट तक ये कैपिटल मार्केट तक है। उसके बाद 7 तारीख को जो है वो फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का, अप टू म्यूज़िक प्रोडक्शन। सो इसमें देखा जाए तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं ना, फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ एक ही दिन मिला है। 8 तारीख का देखा जाए तो फैशन स्टडीज़ से लेकर के सिक्योरिटी तक का पेपर है। उसके बाद 9 तारीख को देखा जाए तो बिजनेस स्टडीज़ और फ्लोरी कल्चर का पेपर है। सो अगर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्हें बिजनेस स्टडीज़ में 3 दिन का जो है गैप मिला है। आगे बढ़ते हैं, 10 तारीख का अगर जो पेपर देखा जाए तो वो मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी है। फिर अगर 12 तारीख की बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसे ही पेपर है, कार्नेटिक म्यूज़िक, वोकेशनल, अप टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक है। उसके बाद 13 मार्च 2018 को जो है केमिस्ट्री का पेपर है। यानी अगर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका फिजिक्स का पेपर जो है वो 7 मार्च 2018 को है और उसके बाद उनका 13 मार्च 2018 को पेपर है केमिस्ट्री का। सो केमिस्ट्री में जो है ना काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है इसके अंदर। सो देखा जाए तो केमिस्ट्री के पेपर में उनको 5 दिन का जो है गैप मिल गया है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फिजिक्स में होती है, उन्हें फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था, 1 दिन का शायद से टाइम थोड़ा जो है कम है। बाकी तो सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है पेंटिंग का पेपर है 14 तारीख को। सो अगर आपके पास पेंटिंग है तो आपको कोई गैप नहीं मिला है इसके अंदर। फिर उसके बाद 15 मार्च 2018 को अकाउंटेंसी का पेपर है। सो अगर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस स्टडीज़ के बाद उनका अकाउंटेंसी का पेपर है। बिजनेस स्टडीज़ का उनका पेपर 9 मार्च 2018 का था और ये वाला पेपर जो अकाउंटेंसी का पेपर है उनका 15 मार्च 2018 को है। तो देखा जाए तो उनको 5 दिन का जो है इसके अंदर गैप मिला है। उसके बाद जो 17 मार्च 2018 को ज्योग्राफी एंड बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। उसके बाद 19 तारीख को जो है काफ़ी लैंग्वेजेस के पेपर हैं, जो संस्कृत, इलेक्टिव, बंगाली वगैरह वगैरह, अप टू संस्कृत कोर तक लिखे हुए हैं। उसके बाद 20 मार्च 2018 को हिस्ट्री का पेपर है। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के काफ़ी स्टूडेंट्स कॉमर्स में भी होते हैं और साइंस के भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। तो 21 तारीख को जो है मैथ्स का एग्ज़ाम है, 21 मार्च 2018 को। सो अगर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट की बात करें तो उन्हें जो है पूरा 7 दिन का गैप मिला है अगर केमिस्ट्री के बाद उनका कोई एग्ज़ाम नहीं है। और अगर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट की बात करें तो अकाउंटेंसी का उनको 15 को पेपर है और मैथ्स का 21 को पेपर है, तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिला है, उन्हें भी 5 दिन का टाइम मिला है और साइंस स्ट्रीम वालों को 7 दिन का टाइम जो है मिला है। उसके बाद 22 तारीख को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है और अप टू वेब एप्लीकेशंस का है कुछ। उसके बाद 23 तारीख को जो है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का पेपर है। उसके बाद 24 तारीख को जो है मास मीडिया स्टडीज़ और टाइपोग्राफी एंड सीए का पेपर है। उसके बाद 26 तारीख को जो है इकोनॉमिक्स का पेपर है। यानी अगर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 21 तारीख के बाद 26 तारीख को इकोनॉमिक्स के अंदर भी उन्हें 4 दिन का गैप जो है वो मिल गया है। उसके बाद देखा जाए तो 27 तारीख को पेपर है फिलोसफी, बायोलॉजी। उसके बाद 28 तारीख को जो है एग्रीकल्चर, ग्राफिक डिज़ाइन, अप टू डाटा बेस मैनेजमेंट तक का पेपर है। फिर 2 अप्रैल को जो है हिंदी इलेक्टिव का पेपर है। कुछ स्टूडेंट्स के पास हिंदी इलेक्टिव होती है, हिंदी कोर होती है, या कश्मीरी, नेपाली, गुजराती, इनमें से जो भी होगी उनका 2 अप्रैल को पेपर है। 3 अप्रैल को उर्दू इलेक्टिव, पंजाबी, तमिल, सिंधी, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, असमी, कन्नड़, उर्दू कोर का जो है पेपर है। 4 तारीख को देखा जाए तो इसमें थिएटर स्टडीज़ और अप टू इंजीनियरिंग मशीन तक जो है आपका पेपर है। 5 तारीख को देखा जाए तो साइकोलॉजी और अप टू आपका जो है इसके अंदर डेरिवेटिव मार्केट तक जो है आपका पेपर है। 6 तारीख को देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस का है। उसके बाद 7 तारीख को देखा जाए तो लीगल स्टडीज़, फूड प्रोडक्शन 1, ट्रैवल एजेंसी एंड
और उसके बाद जो है पोमोलॉजी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। 9 तारीख को जो देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, 9 अप्रैल 2018 को जो है फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। उसके बाद 10 तारीख को जो है सोशियोलॉजी का पेपर है, 11 तारीख को देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड फूड प्रोडक्शन सेकेंड अप टू होलिस्टिक हेल्थ तक जो है आपका पेपर है, और लास्ट पेपर जो क्लास 12th का है वो 12 अप्रैल 2018 को है होम साइंस का। यानी कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा सही ही बनाई हुई है डेट शीट और काफ़ी गैप दिया हुआ है। अगर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद उन्हें फिजिक्स का जो है थोड़ा सा उसके अंदर उनको कम टाइम दिया गया है, एक दिन का थोड़ा कम ही टाइम होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो ये फाइनल डेट शीट है। लेकिन और बाकी के सब्जेक्ट्स में जो है उन्हें सही जो है टाइम दिया हुआ है। अगर दूसरी स्ट्रीम की बात करें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की, तो उन्हें भी जो है सभी पेपर्स में काफ़ी सफिशेंट टाइम दिया हुआ है। सो कुल मिलाकर बात यह है कि CBSE क्लास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो 5 मार्च 2018 से लेकर 12 अप्रैल 2018 तक चलेंगे। और अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में भी 5 मार्च 2018 से ही जो है पेपर शुरू हो रहे हैं, और 5 तारीख को जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और फूड प्रोडक्शन अप टू, ये जो है सारे पेपर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वाले हैं। 6 तारीख को देखा जाए तो हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी का पेपर है, तो हिंदी का जो है उनका पेपर 6 तारीख को है, चाहे आपका कोर्स ए हो चाहे कोर्स बी हो। 8 तारीख को देखा जाए तो फाउंडेशन ऑफ IT होता है, काफी स्टूडेंट्स के पास होती है, तो एक दिन का टाइम इसके पास दिया हुआ है। और अगर आपके पास नहीं है तो सीधा उसके बाद आपका पेपर 10 तारीख को है, और इनमें से ये जो तीन इसके अंदर लिखे हुए हैं सब्जेक्ट्स उनका नेशनल कैडेट और LM बुक और ई पब्लिश एंड ई ऑफ। उसके बाद 12 तारीख को इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर दिया हुआ है, यानी अगर आपके पास सीधा हिंदी के बाद इंग्लिश ही सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे 5 दिन का जो टाइम जो है इसके अंदर मिल गया है। उसके बाद 14 तारीख को जो है आपका पेपर है, जो म्यूजिक वोकेशनल कोर्सेज होते हैं इसके अंदर आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, उनका पेपर है। 16 तारीख को साइंस का पेपर है थ्योरी का, सो अगर आप 10th क्लास में देखा जाए तो अगर आपके पास 14 तारीख का कोई पेपर नहीं है तो साइंस के पेपर का आपको प्रिपेयर करने के लिए इसके अंदर 3 दिन का टाइम मिला है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। उसके बाद जो है 19 तारीख को जो है ये चार कुछ लैंग्वेजेस का पेपर है, अरेबिक, तिब्बतन, नेपाली और हेल्थ केयर सर्विसेज का। उसके बाद 20 तारीख को देखा जाए तो बहुत सारे लैंग्वेजेस के पेपर हैं, उर्दू कोर्स है, पंजाबी, बंगाली, तमिल अप टू यहाँ पे जो है ये थाई तक दिया हुआ है, ठीक है, ये तो लैंग्वेजेस के पेपर है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी लैंग्वेज होगी तो आपका वो वाला पेपर होगा। 22 तारीख को जो है सोशल साइंस का पेपर दिया हुआ है, तो अगर नॉर्मली आपका पेपर अगर 16 तारीख को साइंस का है, उसके बाद सोशल साइंस का जो है आपको काफ़ी टाइम इसके अंदर मिल गया है, 5 दिन का टाइम मिल गया है आपको इसके अंदर, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है सोशल साइंस में प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद 24 तारीख को जो देखा जाए तो वो होम साइंस का पेपर है, 28 तारीख को जो है मैथ्स का पेपर है। अगर आपका सोशल साइंस का 22 को पेपर है और आपके पास होम साइंस नहीं है तो इसमें भी आपको जो है सफिशिएंट टाइम मिल गया है मैथ्स के अंदर 5 दिन का। मोस्टली तो स्टूडेंट्स के यहीं तक ही पेपर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपके पास हैं तो इनके अंदर ये हैं, क्योंकि 4 तारीख तक जो है 10th क्लास के एग्ज़ाम हैं। 2 तारीख को देखा जाए तो फ्रेंच, संस्कृत और उर्दू कोर्स बी का पेपर है। 3 अप्रैल 2018 को देखा जाए तो तेलुगु, तेलंगाना और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस का पेपर है। और लास्ट पेपर 10th क्लास का जो है वो 4 अप्रैल 2018 को है, और उनका पेपर जो है वो पेंटिंग का है। सो कुल मिला के देखा जाए तो 10th क्लास की डेट शीट के अंदर जो है सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 मार्च 2018 मंडे से जो है पेपर शुरू होंगे और 4 अप्रैल 2018 को ख़त्म होंगे। सो यही था बस आज की वीडियो में, बेसिकली आपको यही बताना था, क्योंकि काफ़ी अवेटेड टॉपिक था, बहुत ही स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे और हमने आपको काफ़ी एनालिसिस करके बता दिया। बाकी आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर डेट शीट आपके सामने है, आप CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो किसी भी तरीके से काम का लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।